दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया की सारी खुशी मेरे पास हो, मुझे कभी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न उठानी पड़े और जो चाहूं वो चीज मुझे मिले। और इसी सोच के साथ हम ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं और पैसे कमाने की होड़ के कारण सही समय पर खाना नहीं खाते और ना ही सही टाइम पे नींद ले पाते हैं और काम की अधिकता और स्ट्रेस की वजह से नशे का आदि होने लगते हैं और यही हमारा लाइफ का पार्ट बन जाता है, जिसकी वजह से शरीर में मोटापा, उम्र से पहले बालों का झड़ना, बुढ़ापा, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, गठिया, जोड़ों में दर्द जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम होने के पहले हमें समझ जाना है कि हमारा जीवन, ये शरीर अनमोल है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पौष्टिक चीजों का सेवन करना चाहिए, पर्याप्त शरीर को आराम देना, एक्सरसाइज, योग करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों को एक ऐसे रेमेडी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके सेवन से शरीर की ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म होने के साथ शरीर को स्वस्थ, सुंदर और मजबूत बनाए रखेगा। और वो नुस्खा है मेथी, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन का चूर्ण का सेवन। आइए जानते हैं इसका सेवन करना कैसे है। मेथी, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन को एक बराबर मात्रा में लेकर हल्का भूनकर पीस लें। हम यहाँ पर आधा आधा चम्मच ले रहे हैं। आप चाहे तो सभी को 50-50 ग्राम की क्वांटिटी में लेकर भूनकर ग्राइंड कर लें और इस चूर्ण को एक डब्बे में स्टोर करके रख दें। आपको इसे दोपहर और रात के खाना खाने के एक घंटे बाद एक चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी यानी कि हल्के गर्म पानी के साथ लेना है। आइए जानते हैं दोस्तों इसके क्या क्या फायदे होंगे। दोस्तों, इस नुस्खे के सेवन से शरीर से जुड़े कैसा भी दर्द हो जड़ से खत्म हो जाएगा। यह जोड़ों के दर्द, बदन दर्द, हाथ पैर दर्द, वात रोग को खत्म करता है। आपको बढ़ते वजन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से ही इस नुस्खे का सेवन करना शुरू कर दीजिए। कम समय में ही इसका असर आपको देखने को मिलेगा। फैट को यह पाउडर तेजी से बर्न करेगा, लेकिन मोटापा कम करने के लिए आपको डाइट पर भी ध्यान देना होगा। ऑयली, जंक फूड और कुछ भी कभी भी खाना बंद करना होगा और कच्चे चीजें जैसे सलाद, हेल्दी फूड्स, फिजिकल एक्टिविटीज करना होगा। स्ट्रेस फ्री रहना होगा, तभी आपका वजन कम होगा। अगर आप शरीर के अंदरूनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया नुस्खा आपको नहीं मिलेगा। इसके सेवन से स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं, समय से पहले चेहरे में आने वाले झुर्रियों को रोकता है, चेहरे पे होने वाले दाग को खत्म करके चेहरा ग्लोइंग करता है, आपको हमेशा जवां बनाए रखेगा। इसके अलावा यह पेट से जुड़ी समस्या जैसे अपच, गैस, पेट में जलन, कब्ज, खट्टी डकार से भी निजात दिलाता है। यह ब्लड शुगर, डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जोड़ों के दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द की समस्या में ये बहुत ही इफेक्टिव है। गठिया, अर्थराइटिस के मरीज को फायदा करेगा। कैंसर, किडनी, गुर्दे की पथरी, मूत्राशय के रोग, मर्दाना कमजोरी के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके सेवन से मासिक धर्म से जुड़ी पीड़ा दर्द को खत्म करता है, मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के साथ मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। यह नुस्खा बंद नाक, कान दर्द, दांत से जुड़ी समस्या से भी निजात मिलता है। आज के समय में समय से पहले बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना आम समस्या बन चुका है। इस नुस्खे के सेवन से बाल झड़ना बंद होकर काले घने होने लगेंगे। किडनी रोगियों के लिए यह नुस्खा बहुत ही फायदा करेगा। यह किडनी में मौजूद पत्थर किडनी स्टोन को तोड़ता है और बाद में टुकड़ों को यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। यह अस्थमा रोगी को सांस लेने में राहत प्रदान करता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करता है। यह हमें कई प्रकार के संक्रमण और जीवाणुओं के प्रभाव से बचाने का काम करती है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में। यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आप इस पाउडर का नियमित रूप से सेवन कर रहे हैं तो आप खून में शुगर की मात्रा की जांच कराते रहें। गर्भवती महिलाओं को इस पाउडर का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होने के कारण यह गर्भपात का कारण बन सकती है। यदि आप खून पतला करने संबंधी दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो आप इस दौरान इस पाउडर का सेवन न करें, यह आपके खून को और पतला बना सकता है। इस नुस्खे का अधिक मात्रा में सेवन करने से चक्कर आना, उल्टी और मतली आदि की परेशानी भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर से मिलूंगा एक नए अगले वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।